हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में मैं एक नगमा यानी लहरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये नगमा जो है एक बहुत ही खूबसूरत से राग से है। राग का नाम है राग रेवा, ठीक है। राग रेवा ये पूर्वी थाट से लिया गया है और ये बहुत ही मधुर राग है, ठीक है। तो आइए देखते हैं और आप इसे ज़रूर देखें और ज़रूर बजाएं ताकि आप अच्छा कर सकें। अगर आप नगमा को बजाते हैं तो सबसे पहले तो आपको नगमा का नॉलेज तो होता ही होता है, साथ में आपको राग का भी नॉलेज होता है। अगर आप राग का आरोह अवरोह का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो समझ लो आपको एक राग का नॉलेज हो जाता है, ठीक है। राग रेवा ये जो नगमा है ये झप ताल में है, ठीक है। झप ताल 10 मात्रा की होती है। तो आइए देखते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो डालूँ वो सीधा आपके पास पहुँचे और आप उसे देखकर अच्छे से बजा सकें, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले राग रेवा का आरोह अवरोह और उसके बाद सरगम। सरगम का नोटेशन मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा ताकि आप उसे देखकर अच्छे से बजा सकें, ठीक है। राग रेवा ये औरव जाति का राग है, इसमें 5 स्वर आरोह में और 5 स्वर अवरोह में प्रयोग होते हैं। इसमें मा और नी स्वर आरोह अवरोह दोनों में वर्जित होता है, ठीक है। ये था आरोह अवरोह, एक बार इसे देखें। ठीक है, ये हुआ आरोह अवरोह। अब नगमा के नोट्स में पहले आपको सिंपली समझा देता हूं और उसके बाद लय में बताता हूं। सा सा रे गा गा पा धा पा पा सा धा पा पा गा पा धा पा गा पा गा रे सा, ठीक है। गापा धापा, गापा एक मात्रा में, धापा ये भी एक मात्रा में आएगा, ठीक है। यहां पे डबल डबल स्वर है, इनको भी आप ध्यान रखें। तो आइए अब देखते हैं स्वर लय में किस प्रकार आएगा। सा सा रे गा गा पा धा पा पा शुरू हो जाएगा सा सा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बजेगा और इसका कंटिन्यू आप 30 मिनट 20 मिनट प्रैक्टिस करें ताकि आपकी उंगलियां अच्छे से सेट हो सकें और आपका नगमा अच्छे से तैयार हो सके, ठीक है। तो आइए एक बार देखते हैं जब ये कंटिन्यू बजता है, और इसका बीपीएम 60 कम से कम रहना चाहिए, कम से कम 60, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक बार। Thank you.
एक चीज मैं और आपको बता दूं, मैंने शुरू में बताया था आपको कि ये झप ताल में है। झप ताल 10 मात्रा की होती है, ठीक है, पर इस सरगम में 20 मात्रा यूज हो रही हैं। वो किस लिए हो रही हैं? क्योंकि जब हम किसी चीज को तैयार करते हैं, जिस प्रकार हम आरोह अवरोह करते हैं, उसमें उतार और चढ़ाव का कम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम आरोह करते हैं तो हम ऊपर जाते हैं, अवरोह करते हैं तो हम नीचे आते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चीज को लयबद्ध बनाते हैं तो उसमें उतार और चढ़ाव का होना बहुत ज़रूरी होता है, और तभी वो कर्णप्रिय होती है, ठीक है। इसलिए इसमें 20 मात्रा का प्रयोग किया गया है। जब ताल 10 मात्रा की होती और डबल स्वर कर दिया गया तो 20 मात्रा की हो गई, ठीक है, पर वो रहती है झप ताल ही। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बजेगा और इस प्रकार से ये मधुर ध्वनि अपनी प्रयुक्त करेगा। तो आप इसे जरूर बजाएं, जरूर देखें, और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर करें। आप जब वीडियो देखते हैं तो उसको ऊपर स्लाइड करेंगे तो नीचे उसके कमेंट बॉक्स दिया होता है, वहाँ पे जो भी आपको इसमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है उसके बारे में आप ज़रूर लिखें। और अगर आपकी इच्छा किसी चीज़ की है तो आप उसे ज़रूर लिखें और मुझे बताएं। और अगर आप विधिवत सीखना चाहते हैं, क्लासिकल सीखना चाहते हैं, या न्यू लाइट संगीत सीखना चाहते हैं, या भजन गजल जो भी आप सीखना चाहते हैं विधिवत, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे सीख भी सकते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, और यहाँ पे मेरे स्कूल पे जो आकर के भी सीखते हैं तो उन्हें भी बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे और कुछ समय तक सीखेंगे तब आपको इन सब चीज़ों का अनुभव होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।